हेलो बच्चों, नीट 2024 सिर्फ एक ही दिन बचा है। कल आप लोगों का नीट का पेपर है। आपने जो सपना देखा, आपके पेरेंट्स ने जो आपके लिए सपना देखा, उसको पूरा कर देने का अब समय आ गया है। तो अब की बार सिलेक्शन जरूर होगा यार। तो हम इस मोटिवेशन के साथ साथ कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले बात हम बच्चों करते हैं, एडमिट कार्ड की सबसे जरूरी चीज है। आपको 2-3 प्रिंट आउट निकाल लेने हैं। उसमें एडमिट कार्ड में आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड थंब प्रिंट और आपका फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है। ऐसी 2 कॉपीज आप अपने साथ में ले जाएं एग्जाम में, 1 कॉपी घर पे रख दीजिए क्योंकि काउंसलिंग के टाइम भी वो काम आएगा। सिग्नेचर आप याद रखिए कि आपको सेंटर पर जाकर करना है, तो पहले से सिग्नेचर कर ना ले जाएं, सेंटर पर ही करें। साथ ही में एक ओरिजिनल आईडी, आई विल रिपीट अगेन, फोटोकॉपी नहीं ले जानी है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ अपने साथ में ले जाएं। उसके बिना आपको आपके सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी। राइट, तो जैसे सर ने बताया, अपना एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ प्लीज़ याद से लेके जाएं, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है। दूसरा, जो भी आप अटायर पहन के जाने वाले हैं, दैट शुड बी वेरी कम्फर्टेबल, वेरी लूज। लूज इन द सेंस आप खुले कपड़े पहन के जाएं, कोई भी मेटालिक आइटम, पीस ऑफ ज्वेलरी जैसे कि इयररिंग्स फॉर गर्ल्स, ब्रेसलेट्स हैं, एंकलेट्स हैं, नोज पिन हैं, ये कुछ भी आपको पहन के नहीं जाना है। और प्रेफर करें कि आप ओपन टोड सैंडल पहन के जाएं, शूज़ पहन के जाना प्रेफर नहीं करें। अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्लोथ्स विच विल हैव पॉकेट्स एंड ऑल्सो अवॉइड गैजेट्स। फ़ोन भी साथ में लेके नहीं जाने हैं आपको। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सब चीज़ों के साथ प्रिपेयर होके ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना है। दूसरा, आप सब लोगों के एडमिट कार्ड के ऊपर आपको रिपोर्टिंग टाइम भी दिया होगा। आप कोशिश करें कि अपने रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंचे, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा यूजुअल होगा कि आपको ट्रैफिक मिलेगा या और कुछ अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने सेंटर पे रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही पहुंचे या रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचे। 1:30 तक रिपोर्टिंग टाइम है, 2 बजे पेपर शुरू होना है। तो आप सब लोग ये कोशिश करें कि मेस या हेफेसाड हो, उससे बचने के लिए आप 1:30 से पहले ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं केयरफुली। सो प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ रश एंड एनीथिंग। तो आप टाइम से घर से निकले, खाना खा के निकले और अच्छे से अपने सेंटर पे बिना किसी टेंशन से पहुंचे, राइट? क्योंकि एक दिन रह गया है बच्चों, बहुत ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बायो में एनसीईआरटी के डायग्राम्स रिवाइज कर सकते हैं, उनके लेबलिंग्स रिवाइज कर सकते हैं, फिजिक्स में फार्मूलाज रिवाइज कर सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ फार्मूलाज देख सकते हैं एंड ऑर्गेनिक की रिएक्शंस देख सकते हैं। कुछ बहुत नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से चीज़ें देख लेनी है ताकि आपका दिमाग खाली भी ना रहे और आप ओवरथिंक भी ना करें, नेगेटिव थॉट्स ना आए, बहुत पॉजिटिव रहें और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे बच्चों, बहुत सारी एग्ज़ाम्स अभी तक दी होंगी, उनमें जो भी स्कोर आया है उसको भूल कर हमें नीट का एग्ज़ाम देना है। मेरी आपके साथ बेस्ट विशेज हैं। नीट में अभी तक का आपका बेस्ट स्कोर आएगा, आपका बेस्ट एग्जाम होगा एंड आप सारे सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब की बार 700 पार। आप लोग ज़रूर अच्छे से काम करके आएँ, अच्छे से पेपर करें, बहुत हैवी फूड खा के नहीं जाएँ। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द होल टीम मैनेज। थैंक यू।